नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए कि हम 4 इंच दीवार लगा रहे हैं और उसमें कई जगह तो होता है कि उसमें 9 इंच का भी कॉलम बनाया जाता है, कई जगह 13 इंच की भी बनाया जाता है, कई जगह 18 इंच का भी बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए 4 इंच दीवार लगा रहे हैं और वहीं पर एक 13 इंच का कॉलम हम बना के दिखाने वाला हूँ और उसका जोड़ कैसे काटेंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखें। तो यहाँ मैं पहली रात में किस तरीके से बना हूँ वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो एक ईंट हमारा ये लंबी लगा है और 2 ईंट ऐसे, तो ये 13 इंच का कौला हो गया और एक डेली यहाँ लगा है, बाकी इस तरीके से लगा हुआ। इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधते हैं, 4 इंची दीवार के लिए हमेशा 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट रखना है और हरेक रदा में बिल्कुल बराबर मसाले को बिछाना है। ये ना दोस्तों ये कभी मोटा कर दें तो कभी पतला कर दें, तो चुनाई जो होता है वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि हरेक रदा में बिल्कुल बराबर मसाला बिछाने का कोशिश करें। तो सबसे पहले एक पौन ईंट हम काट लिए हैं जैसे कि देख सकते हैं और ये वाला जो नुकर है इसमें मिला के हम रखेंगे यहाँ पर। और 2 ईंट हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। तो ये 13 इंच का कॉलम बन गया और यहाँ पे इसका चाल भी बन गया और 1 ईंट हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसका जोड़ कट गया। अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि अब लगाना इसको किस तरीके से सफाई दिखाना है, एक तो इधर से, लेकिन ये हम बाहर से इधर साहुल करेंगे। आपको दोस्तों जिधर से भी मतलब साहुल करना है उधर से कर सकते हैं इसमें। इस नुकर में और इस नुकर में और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब जितना गैप वहाँ रहेगा उतना ही हर एक जगह गैप रखना है और एक जगह इस नुकर में भी कर लेंगे कि नुकर जो होगा बिल्कुल सीधा जाएगा और यहाँ कर लेंगे। और ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है। और उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को आगे बिछा के और बिल्कुल 4 इंच का जो दीवार है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना है इसको। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जब मतलब कि ये कौन ईंट हमारा यहाँ लगा हुआ था और ये जो ईंट है इसको कम से कम 2 इंच अंदर है और 2 इंच इधर को लगा हुआ था, इसका हम फिर किस तरीके से जोड़ काटते हैं। तो दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को रख के और बिल्कुल बराबर फैला लेंगे इस तरीके से। और 1 ईंट हम यहाँ इधर वाले में मिला के और 1 ईंट हम यहाँ रख देंगे। और तीसरा जो ईंट होगा हम यहाँ रख देंगे। तो ये 13 इंच का कॉलम तैयार हो गया। और आगे ये मसाले को बिल्कुल बराबर बिछा लेंगे और नीचे में यहाँ हम नीचे पौन ईंट लगाए हुए थे तो इसका जोड़ काटने के लिए एक डेली लगा देंगे यहाँ पे। जो आगे हम ईंट लगाए उसका जोड़ बिल्कुल बीचों बीच काटे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये डेली जो लगा हुआ है तो यहाँ पे जो भी आगे हम ईंट लगाए हुए हैं बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो जहाँ कोने का चाल हो वहाँ पे डेली जरूर लगाएं। और एक जगह हम यहाँ साहुल कर लेंगे, तो मतलब जहाँ जहाँ हम साहुल किए थे पहले वहाँ वहाँ हम फिर साहुल कर लेना है।
चावल की डोरी हो, सूत हो, इसको मिला लेना है अच्छी तरीके से, जो आगे ही है बिल्कुल सही हो जाए। और ये भी साउल करना है, और एक जगह यहाँ हम साउल कर चुके हैं। तो 4 इंची दीवार में 13 इंची का कॉलम दोस्तों।